जय श्री राम दोस्तों, आज काफ़ी समय हो गया हमको टेक प्रो की वीडियो बनाते हुए, और काफ़ी सारे जो है कमेंट्स भी आते हैं कि सर आप जो है किसी भी ट्रैक्टर का ऑन रोड प्राइस नहीं बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं। हमारे यहाँ की जो इंश्योरेंस है, RTO है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी बीमा पॉलिसी और इंश्योरेंस में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस करता रहता है, जिसके कारण हम रेट कंफर्म नहीं बता सकते। बट करेंट प्राइस जो है हम अपने जबलपुर का दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम इस ट्रैक्टर का फुल रिव्यू करेंगे और इस ट्रैक्टर की ऑन रोड कीमत भी बताएंगे आपकी सिटी जबलपुर के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक से। तो इस ट्रैक्टर का जो लुक है, सॉयलिस के हर एक मॉडल में जो लुक है एरोडाइनमिक टाइप लुक आता है, और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 60-24 की बैजिंग मिल जाती है, जो कि फोर व्हील ड्राइव के अंदर में ये ट्रैक्टर आता है। और यहाँ पर जो है ये जो सॉयलेस है, यानमार और इंडिया के साथ जो है कोलाब्रेशन करके इंडिया में अपने ट्रैक्टर जो है लॉन्च करता है। तो यहाँ पर आपको यानमार और जापान की जो है बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको जो LED क्रोम फिनिश मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर में जो है आपको 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि इस ट्रैक्टर में एक बेहतर विजिबिलिटी का काम करते हैं, और ये हर ट्रैक्टरों से जो है इस ट्रैक्टर के लुक को डिफरेंट बना देते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर भी जो है आपको इस साइड भी में जो है अब जो ये ट्रैक्टर है ऑटो लिफ्ट के ऑप्शन के साथ में आने लगा है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑटो लिफ्ट स्टिकर की बैजिंग मिल जाती है। साथ में इस ट्रैक्टर का जो साइलेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ में आता है, और इस तरह के जो साइलेंसर है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है और इसकी जो एग्जॉस्टिंग है वो सभी तरह के साइलेंसरों के मुकाबले बहुत ही अच्छी होती है, और इससे जो है इस ट्रैक्टर का जो वाइब्रेशन है वो लेस देन हो जाता है अन्य सभी 60 HP के ट्रैक्टरों के मुकाबले। तो दोस्तों हम जो है इस ट्रैक्टर के ओवरव्यू लुक आपको दिखा चुके हैं, अब जो है हम इस ट्रैक्टर का खोल लेते हैं इस ट्रैक्टर का बोनट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुशअप लॉक बटन दिया जाता है, इसको दबाओ और बस छोड़ दो। इस ट्रैक्टर का जो बोनट है ऑटोमेटिक जो है इस ट्रैक्टर का साकअप के माध्यम से इस ट्रैक्टर का बोनट खुल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक ट्रकों की तरह ट्रकों में इस्तेमाल होने वाला आपको एक बहुत बड़ा जो है ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर मिलता है, और इसके पीछे जो है यहाँ पर रेडिएटर की पोजीशन रखी गई है, और इसमें आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जाली लगा के दी जाती है, जिससे बड़े जो कचड़े रहते हैं यहीं पर आके वो है असिस्टेंट हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा जो है आपको यहाँ बॉक्स दिया जाता है, और इसके अंदर जो है इस ट्रैक्टर की जो है बैटरी रखी जाती है, और इसमें जो है आपको 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी मिलती है। साथ ही में दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको देख सकते हैं वाटर कूलेंट इंजन मिलता है, तो वाटर कूलेंट के लिए जो है बॉक्स यहाँ पर दिया जाता है, और 4 सिलेंडर की जो है ये गाड़ी आपको मिलती है। इसमें आपको जो है 60 HP 4 सिलेंडर का वाटर कूलेंट इंजन मिलता है, और ये जो ट्रैक्टर है 540 से लेके 2000 स्टैंडर्ड RPM तक वर्क करता है, और साथ में इस ट्रैक्टर में जो है आपको बॉस कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप दिया जाता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग ऑयल को जो है स्टोर करने के लिए सेपरेट ऑयल बॉक्स दिया जाता है। साथ में यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इस ट्रैक्टर का वाटर स्प्रेटर मिल जाता है। डीजल फिल्टर की पोजीशन ठीक इसी साइड में रखी गई है, और यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए टूल बॉक्स दिया जाता है। साथ में इस ट्रैक्टर में जो है आपको देख सकते हैं फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोड लेके चल सकते हैं, काफ़ी सक्षम है अधिक लोड लेने में। साथ में इस ट्रैक्टर में जो है आप देख सकते हैं डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलती है, और डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग से जो है इस ट्रैक्टर की कटिंग काफ़ी ज़्यादा शार्प और कम रेडिएशन में टर्न होने वाली हो जाती है। साथ में यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का जो है अल्टीनेटर पोजीशन रखी जाती है, यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक और इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग का जो है ऑयल पंप मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर में यहाँ पर ये जो आपको एक बड़ा सा प्रोटेक्शन कवर दिख रहा है, इसके अंदर जो है आपको 12 वोल्ट 2.5 kW की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलती है, और ये जो प्रोटेक्शन कवर है सिर्फ आपको सॉयलिस लगा के देती है, जिससे हमारे जो ट्रैक्टर की सेल्फ स्टार्टर की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। साथ में यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का जो है
सेपरेट इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक, बहुत ही बड़ा हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर मिलता है। और साथ ही यदि हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेग गार्ड की तरह आपको एक प्रोटेक्शन कवर लगा के दिया जाता है, जिससे आगे के टायर से आने वाला पानी यहाँ से टकरा के जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। और इस ट्रैक्टर में जो है आपको इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ने के लिए दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ दी जाती हैं। मतलब ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छी लगी, सिर्फ हम सॉयलेस में देखे हैं, फर्स्ट टाइम मैं सॉयलेस में देख रहा हूँ, अभी तक किसी ट्रैक्टर में नहीं देखा ये फीचर्स कि दोनों तरफ से जो है आप इस ट्रैक्टर में चढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से भी आपको इस तरफ से कवर करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। ये जो चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इस ट्रैक्टर में आप दोनों तरफ से चढ़ सकते हैं। साथ ही में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है आपको MRF के जो है टायर ऑफ़र करती है, और इस ट्रैक्टर में जो है आपको अगला टायर 950x24 का मिलता है। और ये जो ट्रैक्टर है फोर व्हील ड्राइव के अंदर में आता है, और इस ट्रैक्टर की जो आप शाफ्ट देख सकते हैं इंजन से जो है कनेक्ट होके जाती है, और इसको जो है पूरी तरह से मेटल से कवर किया जाता है, जिससे किसी भी तरह से धूल या डस्ट से ख़राब होने की शाफ्ट का खतरा नहीं होता। और इस ट्रैक्टर का जो पिछला टायर है इसमें भी जो है आपको कंपनी MRF का टायर ऑफ़र करती है, और इसमें जो है आपको 14x28 टायर साइज का टायर मिलता है। साथ ही में ट्रैक्टर सॉयलेस की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो है आपको 5 ईयर की वारंटी जो है देती है, जो कि अब जो है काफ़ी ज़्यादा कम ट्रैक्टरों में देखने के लिए मिलती है। और इस ट्रैक्टर में यहाँ आपको एक हैंड ग्रिप दिया जाता है, जिसको आपको इस तरह से पकड़ के इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म में चढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और साथ में इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है एकदम कंपनी आपको यहाँ समतल ऑफ़र करती है, और ये जो ट्रैक्टर है सुपर सटल गियर के साथ में आता है। तो ठीक स्टेयरिंग के बाजू में आप ये देख सकते हैं इस ट्रैक्टर का जो है सुपर सटल गियर पोजीशन रखी गई है। साथ में LED लाइट, हॉर्न जैसे कंट्रोल, इंडिकेटर कंट्रोल के लिए आपको हैंडल के ठीक नीचे यहाँ सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, और मोबाइल चार्जिंग जैसी कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आपको जो है 12 वोल्ट की मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर आप जो है इस ट्रैक्टर में मोबाइल भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और सॉयलेस अपने हर ट्रैक्टर में जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वाला देता है। इसमें आपको फ्यूल इफिशेंसी, ट्रैक्टर के टेम्परेचर, RPM, लाइव इस ट्रैक्टर में समय क्या है वो दिखाता है, साथ में ट्रैक्टर टोटल कितने घंटे चला है, ट्रैक्टर के फुली हर एक इंजन की जो है यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम सेंसर के माध्यम से अपडेट मिलती रहती है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो है आपको फुली कॉन्स्टेंट मैक्स और पार्शियल मैक्स जो है गियर कॉम्बिनेशन मिलता है। इस ट्रैक्टर के ड्राइवर राइट साइड में आपको इस ट्रैक्टर के मेन चार गियर, और साथ में यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर में ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है लॉक सिस्टम दिया जाता है। ये जो है इससे जो है आप इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक एक सेपरेट नेट में सेट करके रख सकते हैं, और यहाँ से जो है आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक तो दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर में डबल ऑक्सीजनरी बल्ब मिलते हैं, तो उसका जो कंट्रोल का लीवर है यहीं पर दिया जाता है, जिसे ड्राइवर बड़ी ही आसानी के साथ बैठे बैठे यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको फुली डिस्क ऑयल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और ड्राइवर के लेफ्ट साइड में आपको जो है इस ट्रैक्टर में लो, हाई और साथ में और भी जो है यहाँ पर इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए इंडिपेंडेंट PTU सेपरेट क्लच दिया जाता है। साथ में यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 540 और RPTU जैसे गियर ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में ब्रेक लॉकिंग के लिए आप देख सकते हैं कारो जैसे जो है सिस्टम दिया गया है, जिसको लॉक करना इस ट्रैक्टर के ब्रेक को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब अपन जो है चलते हैं इस ट्रैक्टर से नीचे और बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के और फीचर्स की। तो मैं यहाँ एक चीज़ भूल रहा था, इस ट्रैक्टर में जो है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 65 लीटर की मिलती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर में एक बार फ्यूल टैंक फुल कराने के बाद दिन भर बड़े आसानी के साथ चला सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं इस ट्रैक्टर को एक और हैवी डिस्क यहाँ पर लगा के दिए जाते हैं, और ये जो है 35 kg का लेफ्ट में और 35 kg का आपको जो है राइट में मिलता है, जिससे इस ट्रैक्टर की जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है।
साथ में यहाँ यदि हम पीछे की तरफ बात करें तो पीछे का जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा जो है सटीक और बहुत अच्छी गुड क्वालिटी के साथ में फिटेड किया जाता है। यहाँ आपको जो है सेपरेट टापलिंग होल्ड करने के लिए टापलिंग होल्डर बार मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको जो है डबल ऑक्जिनरी बॉल भी दिए गए हैं जिससे आप एमबी प्लाउ जैसे बड़े से बड़े कृषि यंत्रों को ऑपरेट कर सकते हैं। टापलिंग फंसाने के लिए यहाँ कंपनी आपको 3 पॉइंट्स अवेलेबल करा के देती है जिससे कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इन पॉइंटों को उपयोग में ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर अपन को वाटर स्टोर करने के लिए वाटर स्टोरेज रिफ्लेक्टर और LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट वायर दिया जाता है। साथ में इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं ये जो है इस कंप्रेसर टाइप जो है आपको इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर मिलते हैं जिनको एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और इस ट्रैक्टर में जो है आपको 51 यानी कि 51 हॉर्स पावर का मल्टी गियर स्पीड 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर ऑप्शन के साथ में आने वाला मल्टी गियर स्पीड जो है कंपनी PTO ऑफर करती है। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर में जो है नंबर प्लेट जो है फेंडर से अटैच करके दिया गया है और इस ट्रैक्टर के इंडिकेटर के ऊपर आपको एक स्टील की क्रोम फिनिश मिलती है जो कि इस ट्रैक्टर के लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है और एक बेहतर विजिबिलिटी के लिए यहाँ आपको जो है गोल लाइट दी जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है आपको 3D में हैवी ड्यूटी की वेजिंग मिल जाती है और इस ट्रैक्टर के फेंडर में जो है आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छा जो है टायरों के बीच में और फेंडर के बीच में स्पेस रखा गया है जिससे इस ट्रैक्टर के जो फेंडर हैं वो आसानी के साथ में नहीं घुसते। तो इस ट्रैक्टर की जो कंफर्म प्राइस है वो हम बता नहीं सकते क्योंकि इस ट्रैक्टर में जो है आपको काफ़ी सारे मॉडल अवेलेबल करा के कंपनी देती है जिसमें यदि आप सुपर सडल का ऑप्शन चाहते हैं तो सुपर सडल का भी मिल जाता है जिसमें आपको जो कीमत है 9 से 10 लाख के बीच में मिल जाती है और विदाउट सुपर सडल की जो कीमत की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ये ट्रैक्टर है 9 से 9.5 लाख की कीमत के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और भी इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल रियल एग्रीकल्चर बर्ड्स को। जय जवान जय किसान।